यूपी के सहारनपुर में ट्रांसफार्मर ठीक न होने से नाराज लोगों ने विद्युत विभाग पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जनता ने ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे चौकी इंचार्ज विपिन त्यागी ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। वहीं वहां मौजूद लोगों ने बताया कि अधिकारी केवल आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज देते हैं और बिजली की समस्या से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सहारनपुर से संवाददाता पारस पवार की रिपोर्ट। हम परेशान हैं, 2 साल से हम रोज धरवा रहे, रोज की रोज कभी छोटा थोड़ा हम धरवा दें और लाइट भुगती रहे, रोज रोज नहीं रहे धरवा में। हम परेशान हैं कि अब जब 10 दिन हो रहे कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम इसी है कि हमारा वो धरा जा रहा ट्रांसफार्म, इससे पहले भी शिकायत करी, 2 साल हो गए हम परेशान हो रहे। हम तो रोज रोज आ रहे, रोज कहते हैं कल को धर देंगे परसों को धर देंगे। समस्या ये जी बिजली घर में क्या नाम, हम 4-5 बार आने लगातार जो ट्रांसफार्म फुका हुए से 2 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हमें रोज आश्वासन दिया जाए कि ट्रांसफार्म 250 किलोवाट का होगा और कनेक्शन जो है 375 वो हो रहे जी, क्या नाम 375 और 100 किलोवाट का वहाँ ये रखा जो ट्रांसफार्म है, इसमें क्या नाम बार बार ये हमें आश्वासन दे रहे कि 250 का हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और बरसात में क्या नाम लाइट नहीं है वहाँ पे, चोरों का रुका पड़ रहा है, और बच्चों को भी उठाने का रुका पड़ रहा है, क्या नाम बहुत परेशानी हो रही है।